राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई, उसके बाद आप सब लोग उनको नैतिक समर्थन देने आए हो, किस तरीके से मजबूत करोगे कांग्रेस को? कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है, ये देश को मजबूत करने की बात है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो शहंशाह बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जिस प्रकार इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और कोई व्यक्ति लोकतंत्र में स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं ये लोग, और कोई बोलता है आवाज़ तो उसको आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस लोकतंत्र में इस तरह की एक तरह से गला घोटने की, लोकतंत्र की हत्या, ये कांग्रेस की बात नहीं है, राहुल गांधी की बात नहीं है। राहुल गांधी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र में अधिकारों की बात कही है, और जिस प्रकार ये डराना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी त्याग और बलिदान की और तपस्या की एक पार्टी रही है। देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है, देश को स्वतंत्र कराने में, देश को आज़ाद कराने में, ये सारी बातें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास है त्याग और तपस्या और बलिदान का। तो जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और कुछ आरएसएस के लोग हैं इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को खंडित करना चाहते हैं, देश का विभाजन करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बहका कर सत्ता में आना चाहते हैं, तो ये इस तरह का षड्यंत्र है, ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लोकतंत्र के देश के जनता के साथ हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार आवाज़ को दबाया जाएगा, आवाज़ किसी कीमत पर नहीं दबेगी। आप किसकी बात कर रहे हो? पिछली बार भी मैंने कहा था, जिस आदमी का कोई चाल चरित्र नहीं है और जो भ्रष्ट है, जो अपराधी है, वो खुलेआम घूम रहा है, वो सरकार पर आरोप लगाता है, पहले खुद के जो आरोप उस पर लगे हुए हैं, यदि वो ईमानदार आदमी है, कहता है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मेरा चरित्र ठीक नहीं है, उन्होंने पहले भी मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि विधायक सपोर्टर ने मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया, मतलब आरोप लगवाया और मैं मतलब कोर्ट से बरी हो गया, तो ईमानदारी से यदि वो सत्य ईमानदार आदमी है तो उसका नार्को टेस्ट करवा ले और हमारा भी नार्को टेस्ट करवा ले, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना चरित्रवान है, कौन कितना भ्रष्ट है। ये तो हम कह चुके हैं पहले ही कि माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, केस प्रमाणित हो गए हैं। गरीब आदमी होता तो उसको तुरंत सरकार या पुलिस पकड़ लेती, लेकिन बाहुबली है, डरारा है और सरेआम मतलब गलत झूठे बयान दे रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।